नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग हैं आज की जॉइंट का रूट कैसे वेल्डिंग करते हैं, वो भी दोस्तों हैंड टच। तो नीचे से हम लोग हैंड टच उठाते हैं, और दोस्तों हम लोग नहीं ओनली आज फर्स्ट टाइम हैंड टच उठ रहा है, तो उसके लिए दोस्तों जब मैं दिखाता हूँ वीडियो आप लोग को। तो आए दोस्तों वीडियो शुरू करते, बिना टाइम वेस्ट करते देखते वीडियो में क्या देखने मिलता है हम लोगों को। तो देखिए दोस्तों, ये अभी अंदर में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, अंदर में दोस्तों ये अभी जो अपना जो वेल्डर साहब है वो अभी अंदर में हैंड टच उठाए, मतलब नीचे से उठाए हैं हैंड टच। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अंदर दिखा पाऊँ, लेकिन अंदर मुझे नहीं लग रहा है मुझे दिख पाएगा, क्योंकि अंदर पूरा अंधेरा चल रहा है, अपना लाइट भी नहीं जलाया। अपना देखिए, अपना इधर है अपना जय कुमार भाई हैं, तो वो अपना जो वेल्डर है वो नीचे से हैंड टच उठाएँ। और रूट जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, हम जो देख रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, पर कैमरा को लगता है कैमरा को नहीं दिख रहा है वहाँ पे, क्योंकि मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पे नहीं दिख रहा है दोस्तों। देखिए, पर मैं देख पा रहा हूँ बहुत अच्छा रूट दिख रहा है मुझे, क्योंकि लगभग 18 इंच का जॉइंट है ये, तो बहुत अच्छा यहाँ से रूट अच्छा से आराम से दिख पा रहा है। और देखिए दोस्तों, हैंड टच उठाया गया है, पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अंदर में, पर अंदर तो नहीं दिख रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा होगा शायद, मुझे लग रहा है आपको, देखिए आप लोग को दिख रहा होगा हल्का फुल्का। और यहाँ देखिए जॉइंट, देखिए दोस्तों कितना ओवरलैप जॉइंट दिया गया है, पर कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है जॉइंट ज़्यादा ओवरलैप है तो, क्योंकि 3 mm जॉइंट ओवरलैप कहीं पे भी अलाउड होता है, पर ये 3 mm तो छोड़िए, 1 mm 1.5 mm भी नहीं है, तो इतना इसके लिए कुछ बोलने से भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है, और कुछ बोल के भी कोई मतलब नहीं बनेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ दोस्तों फिर से वापस जो है इसका जो है रूट इसका स्टार्ट हो चुका है, तो मैं कोशिश करता हूँ अंदर दिखाऊँ आप लोग को अंदर, तो थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूँ अपना दिखाने के लिए, पर अभी ज़्यादा रूट नहीं हुआ है इसके लिए, मुझे लगता है कि शायद अंदर बराबर नहीं दिख पा रहा है। अगर ज़्यादा रूट हो गया होता तो बराबर दिखता अंदर, पर मुझे नहीं लगता है अंदर अभी दिख पाएगा। तो देखिए दोस्तों, उस टाइम हैंड टच उठाए थे, पर अभी जो है मूविंग स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसके लिए हैंड टच जो उठता है वो नीचे से ही उठाया जाता है, कोई वेल्डर जो है वो अगर कोई दिक्कत उनको हो रहा हो तो नीचे से उठाया जाता है हैंड टच, उसके बाद फिर मूविंग उठा लेते हैं कोई भी। लेकिन कोई कोई आदमी होते हैं जो नीचे से भी मतलब मूविंग उठाते हैं, तो उनको अच्छा एक्सपीरियंस है, वो अच्छा वेल्डिंग करना जानते हैं, तो वही कर सकते हैं, नहीं तो जो नए आदमी हैं वो फंस जाएंगे, क्योंकि रूट जो है वो अंदर बराबर निकलना चाहिए, पर अंदर ऐसे रूट निकलेगा नहीं। देखिए उस दिन का मूविंग करने का तरीका देखिए, बिल्कुल बिल्कुल स्लो मूविंग कर रहे हैं। क्यों स्लो मूविंग कर रहे हैं? क्योंकि पावर कम लिए होंगे, मुझे लग रहा है शायद पावर कम लिए होंगे इसके लिए स्लो मूविंग कर रहे हैं, और अंदर में ज़्यादा रूट निकालना है, ज़्यादा फिलर देना है, तो उसके लिए मूविंग जब फास्ट करेंगे तो आपको उतना अच्छा मतलब उतना ज़्यादा रूट नहीं निकलेगा, तो उसके लिए थोड़ा पावर देना पड़ेगा थोड़ा ज़्यादा भी, और रूट फिलर देना पड़ेगा ज़्यादा आपको, रूट ज़्यादा निकालना है अगर तो फिलर ज़्यादा चाहिए आपको, और उसके बाद में फिर आराम से उसको मूविंग करते हुए चले जाएंगे, तो आपका रूट जो है वो अच्छा निकलेगा रूट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है जय कुमार भाई आराम से वेल्डिंग कर रहे हैं, आराम से देखिए मूविंग करने का देखिए तरीका, बिल्कुल स्लो मूविंग कर रहे हैं, आराम आराम से, कोई ज़्यादा जल्दी मूविंग नहीं कर रहे हैं। देखिए हाथ ढक गया, इसके लिए बराबर से नहीं दिख पा रहा है। देखिए यहाँ पर जगह नहीं हो रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ किसी की कोई काम करते टाइम में किसी को भी डिस्टर्ब हो, इसके लिए मैं इसमें घुसना नहीं चाहता हूँ मैं उसमें। तो देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है मुझे दिख पाए अंदर से तक, कैमरा को नहीं दिख रहा है पर मुझे तो दिख ही रहा है मुझे तो देखिए। और यहाँ पर मेन क्या है, मैं आप लोग को रूट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग रूट देखें और उससे सीखें भी, कोई भी लोग जो सीखना चाहते हैं, जो जिनको जानकारी चाहिए तो वो इसमें से सीख सकते हैं, जो मैं बताता हूँ वो आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे काम चल रहा है, वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, वही चीज़ मैं आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे अभी जो क्लीट है वो क्लीट कटिंग करना शुरू कर चुके हैं जय कुमार भाई, और इसके आगे भी फिर वेल्डिंग शुरू करेंगे। तो 1 18 इंच जॉइंट में 2 वेल्डर को दिया गया है, जिसमें कि एक दूसरा वेल्डर जो है वो मैं हूँ, पहला वेल्डर जो है वो वेल्डिंग जो कर रहे हैं वो है, तो मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ मैं, और मैं अभी तक वेल्डिंग जो है वो वेल्डिंग स्टार्ट भी नहीं किया हूँ मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग जब मैं ही कर रहा हूँ तो फिर वीडियो कौन बनाएगा, इसके लिए सोचा मैं थोड़ा वीडियो बना लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना जॉइंट उधर से स्टार्ट करूँगा मैं। तो इसके लिए इनको बोला कि आप थोड़ा आगे तक उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा, तो उसके बाद फिर मैं अपना बिल्डिंग जो है वो कर लूँगा मैं, तो उतना मेकअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलूँगा थोड़ा रुक जाइए तो रुक जाएंगे वो भी, और उतना मेकअप हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें।
और यहाँ पे जो है दोस्तों देखिए कितना हैवी थिकनेस कितना है, 32 mm बोलते हैं इसका थिकनेस है, 32, हाँ 32 mm रहते हैं। और देखिए दोस्तों अभी आपको दिखा रहा हो, अभी आपको दिख रहा होगा अंदर में रोड, कैसा रोड दिख रहा है देखिए आप लोग। थोड़ा सा मैं लाइट जब लाइट भी जलाया हूँ तो मुझे लग रहा है कि दिख जाए शायद। तो दोस्तों क्या हुआ, आज टॉर्च मैं भूल गया हूँ, टॉर्च जो नहीं है तो इसके लिए मैं अंदर नहीं दिखा पा रहा हूँ टॉर्च, नहीं तो आप लोग को पिछले वीडियो में आप लोग दिखाया हुआ टॉर्च, वो देखें कितना अच्छा दिख रहा था टॉर्च में, अच्छा से दिख रहा था लाइट में आपको। तो दूसरे किसी से मांगना पड़ेगा टॉर्च दिखाने के लिए, पर दूसरे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि हाँ अच्छा रूट निकल रहा है, क्योंकि जो बाहर अच्छा इतना अच्छा रूट निकला हुआ है तो अंदर भी रूट बेहतर निकला ही होगा। और पुराने बिल्डर है तो उसके लिए बिल्डर को कोई टेंशन नहीं है, इसके लिए अच्छा रूट बिल्डिंग करते हैं। और देखिए दोस्तों अभी इसका जो हम लोग है, इसका थोड़ा हम लोग और थोड़ा देखते हैं थोड़ा हम लोग और इसके अंदर तक क्या हो रहा है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है इसमें बीच बीच में बात भी चलते रहता है, तो इसके लिए कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर करना पड़ता है हम लोगों को। देखिए दोस्तों अभी अंदर से दिखा सकते हैं, देखिए हाँ देखिए दोस्तों अभी अंदर आ गया, अभी अंदर हम लोग अंदर घुसा है, देखिए अभी कितना अच्छा रूट निकला हुआ है, देखिए बिल्कुल सही रूट है, रूट में कोई तरह की दिक्कत इसमें रूट में नहीं है, देखिए जितना भी रूट बिल्डिंग हुआ है बिल्कुल परफेक्ट रूट निकाला गया। और दोस्तों देखिए नीचे का पोजीशन है, ये ऊपर का पोजीशन नहीं है, जब नीचे इतना अच्छा आया है तो ऊपर भी अच्छा आया ही होगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ये रूट के बारे में। अब दोस्तों मुझे चलते हैं आर्क पे, ज़्यादा नहीं तो बस थोड़ा सा आर्क दिखाऊंगा आर्क को आप लोगों को मैं, क्यों रूट मारने में लगभग 1 घंटा लग जाता है समय, तो 1 घंटा वीडियो नहीं बन पाएगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं हॉल पास, मतलब उसका जो होता है ना हॉट पास, जो रूट रूट होने के बाद में होता है जो आर्क से हॉट पास, उसे दिखाता हूँ सीधा आप लोग को मैं अभी। तो देखिए दोस्तों इसका रूट कम्प्लीट हो चुका है और इसका दोस्तों हम लोग आर्क स्टार्ट कर चुके हैं, तो फिर से मैं सोचता हूँ वीडियो बना लेता हूँ आप लोग के लिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आर्क जो है वो आर्क मतलब इसका हॉट पास आर्क से स्टार्ट हो चुका है, देखिए दोस्तों और कितना पावर इसमें लिया गया है, बहुत पावर लेकर हम वेल्डिंग करते हैं ताकि जो अंदर में कोई कचरा अगर मेटल कुछ रहे अंदर में तो सब कुछ बाहर निकल के आ जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। और देखिए दोस्तों पूरा अच्छा से इसमें वेल्डिंग का मूविंग कितना, देखिए मूविंग कितना ज़्यादा मूविंग हो रहा है, क्योंकि जब पीस हैवी है तो फिर मूविंग ज़्यादा करना ही पड़ेगा मूविंग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इतना अच्छा मूविंग करके पावर भी बहुत हैवी पावर लिए हुए हैं, लगभग 3 mm रड है जो कि लगभग 130-135 पावर पे रड जला रहे हैं, जो कि उसका नियम जो है जाने का 107-108 ही रड, मतलब उसका नियम है 125 तक आप जा सकते हैं, पर यहाँ पे 135-140 पावर लेके जल रहा है। तो इतना जब इतना पावर लिया जाएगा तो फिर तो आपको पावर ज़्यादा हैवी चाहिए, मतलब फिर आपको बिल्डिंग में सोचना नहीं कुछ भी कि आपको कुछ कचरा फंस जाएगा कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं होगा, फिर उसके बाद फिर आपको अच्छा बिल्डिंग आपका होगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा बिल्डिंग का यहाँ पे जो इस साइड में भी साइड मार चुका हूँ अभी, तो जब मुझे जब इसका बिल्डिंग में कर चुका हूँ तो मुझे याद आया कि चलो भाई इसका हम लोग आगे भी देखते हैं, इसका हम लोग हैं इसका वीडियो तो बनाए नहीं थे तो फिर हमको याद आया कि वीडियो बना लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं इसका वीडियो बनाने लग गया। और देखिए दोस्तों इस साइड में यहाँ पर जो जयकुमार भाई बिल्डिंग कर रहे हैं वो इधर पूरा अच्छे से इसको देखिए फिलअप मतलब फिलअप नहीं इसका हॉट पास एकदम मार के रखे हुए हैं इसका। देखिए दोस्तों थोड़ा सा मैं इसको देखिए अब इसका आर्क पूरा इसका हो चुका है, देखिए और देखिए कितना अच्छा से पूरा वेल्डिंग इसमें हुआ है। और इसका वापस फिर इसका ग्राइंडिंग होना अभी बाकी है, इसका है अभी वो ग्राइंडिंग होगा, मेरे साइड तो ग्राइंडिंग हो चुका है, देखिए मेरे साइड में पूरा ग्राइंडिंग करके मैं रेडी कर दिया हूँ मैं, और ये भी भाई साहब अभी ग्राइंडिंग करेंगे और उसके उतना टाइम में थोड़ा सा मैं इसको वीडियो में शूट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों अभी इसका जो ग्राइंडिंग स्टार्ट हो चुका है और इसका अंदर देख लेते हैं रूट कैसा निकला, रूट देखिए इसका अंदर में कैसा रूट रिपोर्टिंग जैसा रूट दिखेगा आपको अभी, क्योंकि इसका आर्क होने के बाद में क्या होता है पूरा जो रूट होता है वो अच्छा से देखिए दोस्तों इस साइड में मैं वेल्डिंग किया हुआ हूँ, देखिए इस साइड में और इस साइड में वो वेल्डिंग किए हुए हैं, तो इस साइड में जो मेल्टिंग पॉइंट है मेरी तरफ ही मेल्टिंग पॉइंट आया है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी मेल्टिंग पॉइंट है बस आरटी पास होना चाहिए, क्योंकि जितना भी जॉइंट ये सब है सभी जॉइंट 100% आरटी है। देखिए दोस्तों मैं भी फुल रेडी हूँ, क्योंकि मुझे भी देखिए दोस्तों ये भी अन्ना को भी मैं आप लोग को पिछले वीडियो में दिखाया था कि ऑलरेडी बेल्डर है ये भी, तो इसके लिए देखिए उनका फेस ओपन करने वाला मैं, तो फेस ओपन किए चेलापति नाम इनका है जो कि आंध्रा से हैं, तो वेल्डर भी हैं और साथ में हम लोग के साथ में ही है ये, तो दोस्तों हम लोग साथ में थोड़ा हेल्प भी थोड़ा कर देते हैं ये, तो इसके लिए इनको भी थोड़ा सा मैं हम लोग साथ में वीडियो बना लिए। और दोस्तों देखिए अभी अभी तो दिखाता हूँ मैं आप लोग को, इधर दिखाता हूँ आप लोग कैपिंग, देखिए दोस्तों ये जितना भी जॉइंट हम लोग ने आप लोग दिखाया आपको सभी को जॉइंट का कैपिंग दिखाते हो, कितना अच्छा कैपिंग हुआ है, देखिए सभी जॉइंट का एक नंबर क्वालिटी वाला जॉइंट सभी हुआ है। और देखिए दोस्तों कैपिंग कितना बढ़िया कैपिंग हुआ है,
देखिए दोस्तों, ये जो है देखिए कितना बढ़िया कैपिंग हुआ है, मतलब मेन कैपिंग इसी को बोलते हैं, लेयर बाय लेयर बैठा दिए अगर आप तो बस समझ लीजिए वही अच्छा कैपिंग होता है। देखिए पूरा लेयर पूरा बैठा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए और दोस्तों सभी इसमें 5 लेयर वेल्डिंग किया गया है, तो इसका क्वालिटी देखिए कितना अच्छा क्वालिटी इसमें वेल्डिंग किया गया है। तो अंदर भी क्लीन भी नहीं किया, क्लीन क्लीन भी नहीं हुआ अभी है, बाकी क्लीन होना है। तो देखिए तो नीचे का पोजिशन, नीचे भी कितना अच्छा वेल्डिंग हुआ है, तो कहीं भी कोई दिक्कत इसमें वेल्डिंग में नहीं। इसका अभी रूट होल पास हो चुका होकर रखा हुआ है, इसका भी होना वेल्डिंग बाकी है अभी है, तो इसका जस्ट वेल्डिंग होने वाला अभी है। और रूट देखिए कितना अच्छा रूट इसका निकला है रूट। और मेन क्या, ओपन जॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ओपन जॉइंट आपको आप देख के कुछ गड़बड़ हुआ तो उसको बना भी सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट मैं अपना भी जॉइंट दिखाता हूँ आप लोग को कि मेरा जॉइंट कैसा हुआ है, तो वो भी आप लोग देख लीजिए उसको। तो हम लोग देखिए यहाँ पर भी लंच टाइम हुआ है, तो इसके लिए सब लोग बैठे हुए हैं। और देखिए दोस्तों ये जो जॉइंट इसको हम लोग वेल्डिंग किए उसका वो जॉइंट पूरा है ये। तो इस साइड में जय कुमार भाई का है, जिसका मैं जो भी वेल्डिंग कर दूँ उनका वेल्डिंग इस साइड में, और उस साइड में वेल्डिंग मेरा हो। नहीं दोस्तों ये पहले का वाला ये वाला वेल्डिंग है। और दोस्तों देखिए यहाँ भी ये भी पहले वाला वेल्डिंग है ये वाला। देखिए इसका इस साइड भी कितना अच्छा वेल्डिंग हुआ है, तो वेल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कहीं पर भी, बहुत अच्छा वेल्डिंग हो रहा है सभी आदमी का, क्योंकि सभी लोग पुराने वेल्डर से बहुत 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 पुराने वेल्डर सभी लोग यहाँ पर हैं, तो इसके लिए वेल्डिंग में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए नीचे से देखिए ऊपर से देखिए, कहीं से भी देखिएगा तो आपको बिल्डिंग जो है बहुत अच्छा बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। देखिए दोस्तों इसका हम लोगों ने अभी इसका जस्ट हम लोगों ने इसका अभी बिल्डिंग ख़त्म किया है। देखिए और इस साइड दोस्तों मेरा बिल्डिंग है, जो बिल्डिंग मैं मार रहा हूँ ये वाला, देखिए इस साइड में पूरा मेरा बिल्डिंग है। तो ओके दोस्तों, आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा जो वीडियो को लाइक कीजिए।